राम माधव को जम्मू कश्मीर में चुनावों का प्रभारी बीजेपी द्वारा नियुक्त किया गया है। राम माधव एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है और इनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसका इस्तेमाल हो सकता है, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अब आने वाले दिनों में बीजेपी को करना पड़े, क्योंकि राम माधव जो है इनके पास पार्टी ने वो जिम्मेदारियां उस वक्त दी थी कि कई अलग अलग कुछ स्टेट्स थी जहां पर कॉलिशन गवर्नमेंट्स थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करनी हो तो इनके पास वो कला है, काबिलियत है, तो इसीलिए इनको इसलिए भी एक कद माना जाता है राम माधव का। जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी, जो गठबंधन हुआ था, उसमें भी इनका अहम रोल है। कश्मीर घाटी के नेताओं के साथ इनके संबंध हो या उनको ये समझाने में या अपनी बात मनवाने में, इनके पास एक जो कहा जाए कि सियासी तजुर्बा बहुत बड़ा है और उसका इस्तेमाल हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव हो जाते हैं, सरकार किसको कितनी सीट मिलेंगी उसके बाद हो सकता है बीजेपी को भी पोस्ट पोल जो है जरूरत पड़े गठबंधन की, किसके साथ सरकार बनाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनेगी, किस तरह से होगा, तो ये सारी इस पर राम माधव को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सर, क्या लगता है राम माधव जिनको वापिस लाया गया है फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के, और इनको एक बड़ी, इनके पास कई सारी जिम्मेदारी रही है कॉलिशन गवर्नमेंट्स को लेकर, आप इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? चुनावों से ठीक पहले उन्हें यहां पर चुनाव प्रभारी जो इलेक्शन इंचार्ज जो है वो बनाया गया है। देखिए चुनाव, देखिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कोई आम चुनाव लेकर नहीं चलती है, ठीक है, और खासकर जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर देश के अन्य राज्यों की निगाहें तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनाव को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो इस मौके को गवा दे कि भाई साहब आपने 370 भी हटा दिया, आपने 35 ए भी हटा दिया, आप कह रहे थे कि यहां पर सब कुछ शांत है और आतंकवाद खत्म हो गया, पॉलिटिकल जो है यहां पर एक्टिविटीज है वो बहुत तेज चल रही है, आराम से चल रही है, तो फिर भी अगर आपको बहुमत नहीं मिला इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया, तो उस चीज को कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मूव लिया है, हालांकि जी कृष्ण रेड्डी, क्या नाम था, जी किशन रेड्डी उनको पहले भी यहाँ पे चुनाव प्रभारी, ना इससे पहले उनको चुनाव प्रभारी यहाँ पे बनाया गया जी, बिल्कुल कोई 15-20 दिन पहले या महीना पहले बनाया गया था, और तो तरुण चुग्गी और आशीष सूद जी यहाँ पे प्रभारी हैं जी, तो इनको इसलिए लाया गया है कि ये बड़े जबरदस्त रणनीतिकार हैं, यूं कहें कि आजकल एक हमेशा सभी को कह दिया जाता है कि चाणक्य, तो सोच लीजिए ये भी जम्मू कश्मीर की राजनीति के चाणक्य हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया यहाँ पर जब नॉर्थ पोल साउथ पोल का मिलन हो गया, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल का मिलन है, बिल्कुल उन्होंने कहा था, और उस मिलन में किसकी अहम भूमिका थी, इन्हीं रामाचल की, और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, 2014 में ये राजनीति में आते हैं, पहले ये वहां के स्पोक्स पर्सन थे मेरे ख्याल में, और हम भी जब दिल्ली में थे तो हमने भी काफी इनको वहां पर संघ के कार्यालय में इनको हमने देखा है, और बड़े ही, देखिए सबसे बड़ी इनकी है बात करने का तरीका, बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही ज्यादा सहनशीलता, और कभी भी अपने माथे पर या अपने हाव भाव से ये वो क्या कहते कोई समझ लेगा कि हाँ जी ये कहना चाहते हैं, नहीं, ये हमेशा उस राजनीति में बिलीव करते हैं, यहां पर हल्ला इशारे या बॉडी लैंग्वेज जो है उसे बिल्कुल साइडलाइन करके जो जहन में चल रहा है वो करते हैं, और जम्मू कश्मीर में आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें हासिल की, और जब 25 सीटें हासिल की तो फिर गठबंधन की बारी है किससे किया जाए, बिल्कुल, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाया गया, तरह से लाना से कैसे हुआ, उनको भी बनाना, कश्मीर पार्टी, कश्मीर नेताओं को बनाना, पीडीपी को इसमें लेना, और वो पार्टी, उस पार्टी जिस पर तोहमतें लगती रही है कि ये पार्टी जो है अलगाववाद की सोच वाली पार्टी है, यहाँ पर आतंकवादियों की सोच को बढ़ावा दिया जाता है, और उन सब मिथ्यों को दूर करते हुए ये सरकार बनाए,
और 370 को हटाने में भी, आपको क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 में यकायक ऐसे बिल्कुल वो तो ये प्लानिंग चल रहा है हिस्सा थी कि कैसे कहते हैं कि इसका जो अहम रोल है, अहम भूमिका है वो रही है। और अब कहते हैं कि जब भी आप मझधार में फंसते हैं तो आपको एक ऐसा नाविक चाहिए, ऐसा वो चाहिए, कश्ती चलाने वाला चाहिए जो आपको आपको किनारे पे ले जाए और मंजिल तक पहुंचाए। यही नहीं कि सिर्फ किनारा नहीं, मंजिल तक ले जाए बिल्कुल, और मंजिल तक पहुंचाने में ये अब यहां पर आए हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहां पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ इन्होंने सरकार नहीं बनाने के लिए भेजा है, असंतोष जो नेता है बिल्कुल, जिनमें अब लालसा उठ रही है कि मुझे टिकट मिलेगी और अगर टिकट ना मिली तो विद्रोह कर देंगे, भीतर घात कर देंगे, और सबको हैंडल करने के लिए आए, कंट्रोल या हैंडल बिल्कुल जाएंगे उनको कि भैया ठीक है ऐसा नहीं है आपको पार्टी ने। अच्छा मतलब इसमें आपको लगता है कि सरकार जो बीजेपी है जो दिल्ली की हाईकमान है उसको लगा हो कि हाँ अभी पार्टी में जो अभी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं जो हाई हल्ला हो रहा है टिकट को लेकर, कोई कह रहा मुझे लेनी है, कोई कह रहा मुझे, कोई कह रहा युवा चेहरे आएंगे, कोई कह रहा पुरानों को क्यों दी जा रही है, बार बार वो रिपीट क्यों किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी ने सारी गतिविधियां देखकर ही फिर उनको ऐन वक्त को वक्त पर उनको लाया है कि ये सारी चीजें हैंडल की जाए जो हैंडल दूसरी पार्टी में। देखिए कांग्रेस में क्या हुआ, वहां पर चल रहा था बिल्कुल, टिकटों को लेकर भी चल रहा था, नेताओं के आपस में चल रहा था, आपसी अध्यक्ष भी थे बिल्कुल, अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें थी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी बुगाहट ही हुई थी इन चीजों की बिल्कुल, हाँ जी एक कह रहा है डीडीसी वाला कह रहा है मैं विधायक बनूंगा, जो मेयर है वो कह रहे मुझे टिकट मिलेगी, जो दूसरे हैं है नहीं हम रिपीट होंगे, ये उनको कंट्रोल करने के लिए आए हैं। और दूसरा टिकट में इनकी कितनी अहम भूमिका है ये अलग बात है, रणनीति तो सारी देखिए इनका कुल मिलाकर रणनीति तो यही सहयोगी बनकर रहे हैं कि भाई साहब हम हैं, क्योंकि अनुभव है जम्मू कश्मीर की राजनीति का अनुभव है। और खासकर देखिए ये कश्मीर में इनका ज्यादा फोकस रहेगा, मैं कश्मीर पे कहने वाला था कश्मीर में, कश्मीर में इनका ये रहे हैं, इनके जो संबंध है वो भी काफी संबंध भी काफी ऊंचे हैं, क्योंकि ये एक वो राजनेता है, ये कोई यहाँ के वो लोकल स्थानीय उस तरह के राजनेता नहीं है, एक देश देखिए अगर राजनीति में अगर हमला भी करना हो किसी पर बयानों के जरिए बिल्कुल, तो वे उस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे बारे में कहा गया है। और गठबंधन की सरकार को किस तरह से मजबूती से चलाना है ये इन्होंने चलाया, और जब जम्मू कश्मीर के नेताओं को और आगे आगे जाना था, अब देखिए मैं आपके सहारे कितना रहूंगा, आप कितना उसमें अहम रोल निभाते रहेंगे कि मुझे भी मौका मिला आपको भी मौका मिला लेकिन हम दोनों की ठंड नहीं रही है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि 3.5 साल जिस तरह से अगर वो सरकार चली सरकार को खींचा 3.5 साल तक हाँ। और इनका वो, और जैसे ही पता चला कि अब बहुत मुश्किल है साथ चलना तो तुरंत पीछे हट गए। हाँ, और फिर आपको पता उसके बाद क्या हुआ सरकार। लेकिन कश्मीर के नेताओं को लेकर जो इन्होंने दिल्ली में वो किया है, बयान किया है, वो आप सोचिए आपको क्या लगता है कि अपनी पीडीपी से टूटकर अपनी पार्टी ऐसे बन गई होगी, या उनकी सोच उन नेताओं की ऐसे ही होगी कि हमें इनके साथ चलना है। ये सब के सब जो है ये उन नेताओं के साथ, हर नेताओं के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनकी आइडियोलॉजी को समझा, उनकी उनकी सोच को समझा, काम करने का तरीका समझा, और ये देखा कि दिल्ली में किस तरह से ये नेता जो है तालमेल बिठाते हैं। अब आपने रविंद्र रैना का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ बिल्कुल उसी पे हाँ, उन्होंने कहा कश्मीर में हम कुछ 7-8 से 10 इंडिपेंडेंट ऐसे होंगे जिनको हम समर्थन करेंगे, बीजेपी समर्थन करेगी, समर्थन करेगी। तो क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है क्या? देखिए आप जम्मू में है 43 सीटें बिल्कुल प्रोविंस में, आप कितनी सीटें ले लोगे? 40 का आंकड़ा है बिल्कुल, आप मान लीजिए जो 90 में से 40 चाहिए ना सर्वे या पब्लिक की बात कर लिया बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी फुल उसमें है कि 43 की 43 ले जाए ठीक है। वो इनके वो कहा तो था उन्होंने कि मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था रविंद्र रैना का साहब का, मैंने कहा था कुछ तो छोड़ दीजिए विपक्ष के लिए कैसे सारी हम लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ सारी की क्यों मजाक है, जो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सारी की सारी भी ले जाए फिर भी आपको 3 सीटें जो है वो चाहिए, बहुमत का आंकड़ा छूना ठीक है, 40 और वो जो 3 है वो कौन मैनेज करेगा?
वो किस तरह से नेताओं की सोच जो है वो दिल्ली की सोच के साथ मिलाएगा, किस तरह से तालमेल बिठाएगा, किस तरह से अगर वो तीन आते हैं तो मैनिफेस्टो जो आप कह रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उस समय, वो किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से वो एक विश्वास जो है दूसरे नेताओं पर विश्वास करना, ये उन चीजों के लिए यहां पर लाया गया है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारी जो स्थिति है वो इतनी सही नहीं है, क्योंकि इतने मुद्दे थे जिन्हें ये नेता जो है हल कर सकते हैं। देखिए अमित, क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपको नौकरी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि मेरे सारे मसले में आपके पास आ रहे हो, आप ही हल कर दोगे, लेकिन आप अगर एक्स एमएलए यहां पे रहे हैं, अगर एलजी रूल है, आपका ये दायित्व बनता है, आप मिनिस्टर रहे हैं सरकार में, आपका ये दायित्व बनता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सवाल में कम से कम एलजी के सामने वो चीजें तो रखें। सवाल आप बात करिए, आप बताइए नागरिकों की हम आपके लिए ये कर रहे हैं। क्या किया नेताओं ने, इन्होंने एलजी और अपने बीच में इतनी दूरियां ले आई, दिल्ली की दूरी जितनी हुई, फिर हुआ क्या, फिर सब के सब चले गए जी शिकायत लगाने के लिए। अब आप जब आपने शिकायत लगाई तो फिर मजा तब था ना, डटे रहते तो फिर फटकार खा के आगे, फिर कहा जी एलजी साहब के साथ ही आपको समन्वय बनाना है, उनके साथ काम करना है। तो आपको लगता है कि ये जो दूरियां हैं, ये जो इन्होंने काम नहीं किया है, इस पर भी कहते हैं मरहम। मैं वही कहने वाला था कि आपको लगता है कि पब्लिक के कई ऐसे गिराए भी थे, तो आपको लगता है कि बीजेपी में, देखिए जब आप पब्लिक में जाएंगे, जनता के बीच जब नेता जाते हैं तो पब्लिक सवाल करती है कि भैया आज ही एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था या मैंने हमने चलाई भी है, जो 32 लाख का एक स्टोन क्रशर का बिल है, ठीक है, आम पब्लिक का किसी का 2000 का होगा तो बिजली कट जाएगी, पहले 2600 रुपए बिल रहा, उसका एक लाइट चलती है उसके घर में, वो एसी याद है, एक बिलावर वाली साइड का था या बसोली वाली साइड का, हमने खबर चलाई थी रात को बिजली काट गई थी, कट गई थी पहाड़ी इलाका यही का था, वहां पे एक जो सरपंच थे वो जबरदस्ती जोड़ कर आए। बिल्कुल तो आपको इन मुद्दों को हल करना था, तो लेकिन आप यहाँ पे टकराव कर गए, आपने कहा सिर्फ कश्मीर के नेता गद्दार, ये नेता गद्दार, वो नेता गद्दार, जेल में जो दिल्ली की सरकार है, जो दिल्ली के नेता है, वो देखिए वो किस तरह से इन पर हमला करते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो रणनीति प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब राजनीति आती है, जब चुनाव होते हैं तो हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और हम कटाक्ष भी करते हैं, तो उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। बिल्कुल, अभी इलेक्शन आ ही नहीं थे, 6 सालों से आपने इतनी रट लगाई, फारूक अब्दुल्ला जी जेल में जाएंगे, उनका घर तिहाड़ जेल, ये जेल वो जेल, महबूबा मुफ्ती गद्दार, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल, 6 सालों से आपसे एक एक्शन नहीं हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर या शिकायत मैं बता रहा हूं। तो ये नेता उस तरह से कटाक्ष करते रहे, लेकिन अब चुनावों की बारी आएगी, अब जब चुनाव होंगे और रिजल्ट आएगा तो जनता, बहुमत नहीं मिला, गुस्से का तो बाहर को छोड़ो, बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, वो तो जाहिर सी बात है, कैसे किसके साथ आप कैसे बहुमत ले लेंगे, आप बहुमत किसके साथ गठबंधन के साथ होगा, जिनके साथ आज बातें चल रही, उसी आग धड़कती आग, वो जो लपटे उठी हुई है कश्मीर वर्सेस जम्मू, उन्हीं लपटों को शांत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और इनकी जो खासियत है वो यही है, मणिपुर में देख लीजिए कहां थी भारतीय जनता पार्टी, थी बिल्कुल, कभी सोचा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी, मतलब नॉर्थ ईस्ट की भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार बनेगी, इनकी यहां भूमिका, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा था कि हम मंत्री बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, वो किनके बुद्धों का संगठन का, तो ये राम माधव जी की ही वो थी, वो हालांकि बाद में इनका और सत्यपाल मलिक जी का क्या टकराव हुआ उस पर भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि जम्मू कश्मीर को जितनी बारीकी से जिस राजनीति को ये जानते हैं, शायद जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी नहीं जानते होंगे कि
राजनीति में किस तरह से संबंध बनाने हैं, किस तरह से गठजोड़ करना है, किस पार्टी कहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे उसको मनाना है या कैसे उसके लिए पब्लिक को कैसे उसके सामने लाना है कि हमने क्यों इनके साथ गठबंधन किया है या हम क्यों करने जा रहे हैं। ये राम माधव को आपको लगता है कि उनको इसीलिए ये सारी जो है देखिएगा कि जब इनको जरूरत पड़ेगी, अगर तो ये बहुमत से मतलब 15-20-25 सीटों पर भी अगर पुराना ये बीजेपी अगर 20 भी लेती है, मैं पुरानी पुराना रिपीट कर लेती है, पुराना भी रिपीट तभी आपको वही सीटें चाहिए, आपको वहां पे वो सीटें चाहिए और तब राम माधव जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। और दूसरा ये है कि राम माधव जी के आने से अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक जोश आ गया है, जो ये सुस्त पड़ गए थे नेता, जो मतलब कि रैली आपने आपने देखा होगा यहाँ पे जो रैली हुई थी इन चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनाव, बिल्कुल वो जोश नहीं था, जो मर्जी के लिए बेशक भारतीय नाराज था, जोश नहीं था, लेकिन अब ये है बिल्कुल वो तो था, जिन्हें लग रहा है कि हमारे उस समय इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, या मैं विधायक और उस 2014 में मैं इनके बड़े करीब था, उनकी तो बल्ले बल्ले है और वो उनमें उम्मीद भी जग गई है कि हाँ मुझे टिकट मिल जाएगा और राम माधव जी मेरे बड़े नजदीक है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे पे भरोसा रखते हैं, उनमें उम्मीद जग गई है। और जो नए हैं वो इसी उम्मीद से राम माधव जी के आने से जोश में आ गए, क्योंकि पहली बार कि ये उन पुराने नेताओं को जानते हैं जब इन्हें मौका मिला था सरकार चलाने का, और ये शिकायतें ही शिकायतें करते रहे। बिल्कुल ये दोनों चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, ये जो हाँ ये मास्टर स्ट्रोक खेला, आप देखना ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो किस तरह से सफलता के झंडे गाड़ता है। बिल्कुल वो किस तरह बीजेपी की सरकार, ये मास्टर स्ट्रोक वही है जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर, क्योंकि उसी के लिए इनको यहाँ पर लाया गया, अभी भी यही लाया गई है कि कश्मीर के नेताओं को जो आजाद, देखिए जो आजाद नेता हैं, बिल्कुल जिन्होंने चुनाव लड़ना है आजाद है, हो सकता है इंजीनियर रशीद जो है वो बहुत बड़ा एक नाम जो बनाया, जिस तरह से आप कहते हैं, जिस तरह से होता है वो जो कौन सी तंजीम है, उन्होंने कहा था कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयार कर लिया तो सोचिए कि सरकार में वही होगा, जिस जो भी जीतेगा उनको ये ठीक संभाल लेंगे। चलिए फिलहाल ये देखना होगा कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना जो है एक सफल साबित होता है, और बीजेपी क्या सरकार जम्मू कश्मीर में अब बना पाएगी ये आने वाले समय में। लेकिन ये है कि नेताओं में जोश आ गया है, नेताओं में जोश आ गया है, राम माधव एक सकारात्मक एक पॉजिटिव अप्रोच के, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल आप देखते रहे जम्मू सभा, नमस्कार।